Hello traders, welcome to my channel. My name is Abhay Patil, back with a new learning video, understanding market behavior ka. Aaj ka market aajkal normally ho chuka hai, volatility jo hai factor hamesha market mein dekhne milta hai. Ye jo kuch din kaafi trending market tha, uske baad ek sideways aur ek volatile market dono factor in hue, aur kyunki aaj expiry thi to ye expected tha. Aur कुछ नया नहीं किया, हमेशा जैसे जो मार्केट बिहेव करता है, एक डेली टाइम फ्रेम पर डोजी बनाना, जो कि 60-70% चांसेस है एक्सपायरी पे डोजी बनाने के, 70% चांसेस है और एग्जैक्टली डोजी बनाया. और यही प्लान था हमारा कहीं ना कहीं लास्ट में एक रिवर्सल आइडेंटिफाई करने का, बट क्योंकि हमारी स्ट्रीम यहाँ पे हमने अपमूव प्रेडिक्ट किया था, ये फिर स्ट्रीम क्लोज हो गई और फिर जब तक स्ट्रीम इंटरनेट और सब कुछ वापस आया तब तक ये काफ़ी ऊपर जा चुका था. लेकिन इस व्यू पे भी काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट किया और जो ये वाला मूव था लोगों ने कैप्चर किया. अब यहाँ पे हम समझते कि मार्केट का इनसाइट समझते कि एक लाइव मार्केट में आपके लॉसेस क्यों होते हैं, भले ही आप कितना भी अच्छा एनालिसिस करो. हमारा आज यही हुआ, हम सारे लेवल्स डायरेक्शन, ये भी डाउन मूव जो है निफ्टी ने, ये वाला जो डाउन मूव दिया हमने इसको भी यू नो एनालाइज किया था. यहाँ पर मैं आपको दिखा दो, यहाँ पर ये जो मूव देख रहे हो आप, हमने कहीं ना कहीं बहुत पहले प्रेडिक्ट किया था और सेम मूव जब निफ्टी 17843 पे था. और इसका पीछे का लॉजिक भी आपको समझा था. देखो मार्केट सुबह से ट्रेंडिंग हुआ, ठीक है, और ये बहुत इजी और ऑब्वियस सेटअप था कि मार्केट ट्रेंड लाइन तोड़ के, क्योंकि बेरिशनेस चल रहा था, ट्रेंड लाइन तोड़ के तुरंत रैली कर दे, सेलर्स को भी पैसा दिया, ब्रेकआउट करके बायर्स को भी पैसा दे रहा है, तो ये बहुत रेयर है. और क्योंकि टाइमिंग ऑफ मार्केट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, टाइमिंग यहाँ पे 12:30 के आसपास का टाइम था और इस टाइम पे बड़े इंस्टीट्यूशंस मार्केट में नहीं होते, तो इस टाइम पे कोई बड़ा रिवर्सल नहीं आता. रिवर्सल यूजुअली आता है 2 के आसपास, जो कि यहाँ पे हमने देखने मिला, जो यूजुअल रिवर्सल का जो मार्केट ने टाइमिंग था वो 2 के आसपास ही रिवर्सल आया, और यहाँ पे जो 12:30 बजे 12:30 को जो ब्रेकआउट आया वो फेल हुआ. तो यहाँ पे हम लेवल समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सेलर्स को यहाँ पे मार्केट ने मॉर्निंग से इजी प्रॉफिट दिया, जो मॉर्निंग में ट्रैप बना, ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, ग्रीन कैंडल बनी, क्रॉस हुआ, मार्केट फेल हुआ, इसके बाद क्रैश करता गया, इजी प्रॉफिट हुआ मॉर्निंग में. ये लोग बहुत सारे जो स्मार्ट ट्रेडर्स स्टूडेंट्स थे वो निकल गए प्रॉफिट करके. उसके बाद शुरू हुई यहाँ से कंप्लीट, इस डाउन ट्रेंड के बाद कंप्लीट आज का मार्केट रेंज बाउंड, वोलेटाइल और ऑप्शन सेलर के फेवर में था, ठीक है. अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें हुई, ट्रैप्स कहाँ हुए हम पहले वो आइडेंटिफाई करते हैं. पहला ट्रैप था ये ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, ये सपोर्ट पे ब्रेकडाउन हुआ, इसको हम पूरा हटा देते हैं, ये सपोर्ट पे ब्रेकडाउन हुआ, सेलर्स है, ब्रेकडाउन पे एंटर किया, यहाँ पे एंटर किया और आया मार्केट, उनका एसएल हंट कर गया, ठीक है, यहाँ पे सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ. अब जो बायर्स है इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे, उन लोगों ने इस कैंडल पे बाय किया, बाय करते से ही यहाँ पे समझो इस कैंडल पे बाय किया, एक अपमूव आया, फिर उसके बाद ये जाकर थीटा डिकी की वजह से हो सकता है एसएल खाया हो, या बायर्स जो वेट करे होंगे एक बड़ा स्टॉप लॉस लगा के, तो मार्केट ने एक अपमूव दिया और फ्रेश बायर्स बुलाया. अब यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी देर तक सस्टेन किया और बायर्स बुलाते गया. सो दिस इज अगेन अ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रैप, जो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी जो मार्केट ने बनाया है, ठीक है, ये ब्रेकआउट दिया है और सस्टेन करके ये फेल हो जाएगा, और 17843 पे था ये 17785 तक आ सकता है, और एग्जैक्टली वही हुआ. मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन किया, बुलाया सबको, ठीक है, बायर्स को यहाँ पे बुलाया और फेल हुआ, उसके बाद क्रैश करता चला गया, ठीक है, ये ट्रेड हुआ. उसके बाद हमने एक रिवर्सल का प्लान कर रहे थे, ठीक है, यहाँ से सबसे बड़ा रिवर्सल कब आया, अप्रॉक्स 2 बजे के आसपास, सेम जहाँ पे फ्रेश सेलर्स आ रहे होंगे और यहाँ पे सोच रहे होंगे क्योंकि मार्केट ने डे लो ब्रेक किया, मैं आकर यहाँ पे पुट बाय करता हूँ. अगेन मतलब लोगों को लगता है कि पैसा कमाना काफ़ी आसान है, काफ़ी इजी वे में देखते हैं मार्केट, बट ऐसा नहीं है. लाइन, ये लाइन क्रॉस हुई बाय कर लो फेल हो गए, ये लाइन क्रॉस हुई सेल कर लो फेल हो गए. सो ऐसा सिर्फ लाइनिंग्स का गेम नहीं होता, ठीक है, अगर ये लाइन क्रॉस हो गई तो बाय कर लो, यहाँ पे थोड़ा ऊपर है एसएल खा गया, ये लाइन क्रॉस हुई सेल कर लो आके एसएल खाया, बस और बस साइकोलॉजी हेल्प करती है. आज हमने 2 ट्रेड लिए, लेकिन यहाँ पे भी हमने सेल ट्रेड प्लान किया था, यहाँ पे भी हमने बाय ट्रेड प्लान किया था, और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हमने एक जीरो हीरो समझ के एक बाय ट्रेड प्लान किया था. बट ये जो विक देख रहे हो आप यहाँ पे, देखो ये वाली विक, वॉलेटिलिटी वाली विक, और बाद में एक ट्रेंड लाइन भी हमने खींची जहाँ से मार्केट ने ये बहुत बड़ी रैली की. जीरो हीरो कॉल था तो ऑब्वियसली बात है लोग जीरो होने तक वेट कर रहे होंगे या हीरो होने तक वेट कर रहे होंगे, लेकिन मार्केट ने, जिन्होंने वेट किया हीरो दिया, जिन्होंने कुछ लोगों ने प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो किया विच इज़ वेरी गुड, आई अप्रिशिएट देम, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड दे रहे हो, और कुछ लोगों ने यहाँ पे रैंडमली कॉल पुट खरीदा गैम्बलिंग की, और
एंड इन द एंड कुछ बचा नहीं, ठीक है, लेट्स कीप दैट असाइड, बाद में तो वॉलीटिलिटी काफ़ी हुई, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, हमें आज कितने सारे अच्छे ट्रेड्स मिलते थे, ठीक है, ये वाला सेलर्स ट्रैप का ट्रेड मिलता, ये वाला जो बायस ट्रैप का ये ट्रेड मिलता, ठीक है, और हमने ये सब एनालाइज भी किया था, बट कहीं ना कहीं वॉलीटिलिटी हमारे जैसे स्मॉल स्टॉप लॉस सेटअप से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मुझे गाइड करना पड़ता है, बट कोई अगर प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ एक ट्रेड कर रहा है, मान लो उसके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, तो मे बी ये जो वॉलीटिलिटी उससे सर्वाइव करके उसने प्रॉफिट किया होगा। और ये सबसे इजी ट्रेड अगर मैं बोलूँ तो ये लास्ट का रिवर्सल ट्रेड ही था, जहाँ पे हमने ये वाला भी एनालिसिस करके रखा था, प्रिडिक्शन करके रखा था ये वाला मूव जो है, और मार्केट ने इजीली जाके मार्केट ने बहुत बड़े टारगेट्स दिए। तो कहीं ना कहीं वॉलीटिलिटी काफ़ी थी, फुल एसएल हंटिंग थी, जहाँ पे भी लेवल टूट रही थी, यहाँ पे बाइंग लेवल टूटी, बायस है, यहाँ पे आके उनका एसएल खा गया, फिर जो लोगों ने यहाँ पे सोचा कि ब्रेकआउट फेल है, मैं जाकर पुट बाय कर लेता हूँ, उनका भी मार्केट इन्वाइट करता गया, इन्वाइट करता गया, और जाके उनका भी एसएल खा गया। तो इन देंड सिर्फ वही लोग टिके जो लोग, देखो सेटअप सबके बनते, किसी के लिए देखने के पर्सपेक्टिव से ये डब्ल्यू होगा, किसी के देखने के पर्सपेक्टिव से ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और अप मूव, तो पर्सपेक्टिव सबके अलग होते हैं, लेवल सबके अलग होते हैं, लेकिन मार्केट इन द एंड क्या एम करता है, इन द एंड क्या मैटर करता है, डायरेक्शन, क्योंकि आफ्टरऑल डायरेक्शन का ही पैसा बनने वाला है, राइट। कैसा भी देखो, कौन सा भी टाइम फ्रेम लगाओ, आप कितना कैप्चर करते हो, दैट्स वॉट मैटर्स द मोस्ट, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमने बहुत अच्छे से कोशिश की, बहुत अच्छे से डे मैनेज किए, जहाँ पे लोग एक्सपायरी पे अकाउंट जीरो करते हैं, हमने वहाँ पे एकदम अच्छी फाइट दी मार्केट को, अच्छे लॉजिक सेटअप्स के साथ प्लान किया, जिनको कुछ ट्रेड्स मिस हुए बिकॉज वॉलीटिलिटी, या फिर कहीं ना कहीं हमारा भी, मेरा भी एज अ ह्यूमन माइंडसेट कभी कभी खराब हो जाता है, तो मैंने ट्रेड्स आज कम करना प्रेफर किया, क्योंकि अगर आपको खुद को ट्रेडिंग में खुद को सबसे ज़्यादा जानना जरूरी होता है, अगर आपको लग रहा है कि आज मेरा माइंडसेट ठीक नहीं है, कुछ एक्सटर्नल न्यूज़ अफेक्ट कर रही होगी या कुछ चैट्स अफेक्ट की होगी, तो मेरा माइंडसेट ठीक नहीं था, तो मैंने डिसाइड किया था कि आज मैं बहुत कम ट्रेड्स दूंगा या ट्रेड्स ना ही दूंगा। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों को कंट्रोल किया उनकी ओवर ट्रेडिंग और फोकस किया डायरेक्शन पे, और जो जो डायरेक्शन गए वो सही गए, ठीक है। अब ये सब छोड़ते हैं, लेकिन लर्निंग और लेसन क्या मिला, काफ़ी लोगों के अकाउंट जीरो है, और इनका मैंने जब पोल किया तो सिर्फ 40-50% थे जिन्होंने दो दो तक ट्रेड लिए। ये हमारी ऑडियंस जेन्युइन ऑडियंस है जो रोज़ हमारी स्ट्रीम देखती है, बट रेस्ट 50%, यानी इसमें रेस्ट 50% बोल सकते हो आप, 1000 से ज़्यादा लोगों ने आज 2 से ज़्यादा ट्रेड किए, और कुछ 10-15% 20% लोगों ने 7-8-10 से ज़्यादा ट्रेड दिए। दिस इज द रीज़न, अगर आप एक ट्रेड में 1000 रुपये भी स्टॉप लॉस लगाते हो पर लॉट, दो ट्रेड में 2000 के ऊपर जाएगा नहीं, बट अगर यही आप 10 ट्रेड लोगे तो 10,000 बन जाएगा, राइट। तो आपको लगता है एक ट्रेड प्रॉफिट होगा, एक ट्रेड आपको 2000 देगा, लेकिन अगले 5 ट्रेड आपसे 10,000 लेकर जाएंगे। तो ये बार बार हम चीज़ें डिस्कस करते हैं, कैसे कंट्रोल करें कंट्रोल करें, इसको कोई वे नहीं होता, बस करो, इसका कोई वे नहीं होता। कैसे, अगर गंदी कोई आदत है, कैसे छोड़े कैसे छोड़े, बस छोड़ो, उसका कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं होता, बस रोक दो खुद के माइंड को, बोलो नहीं करना है, ये एक वे होता है। तो जिन्होंने लॉसेस किए, लॉसेस मत बोलो, लेसन लर्न बोलो, कि अगली बार ऐसे नहीं करोगे। आपके पीएनएल स्टेटमेंट में जाके देखो, सबसे बड़े लॉसेस आपने एक्सपायरी पे ही किए होंगे, बिकॉज एक्सपायरी पे आप एक फैक्टर आता है, जीरो हीरो, आप हीरो बनने की कोशिश करते हो, 90% टाइम जीरो बनकर चले जाते हो। तो खुद से प्रॉमिस करो कि आपसे मैं जीरो हीरो ट्रेड कभी नहीं लूंगा, 3 PM ट्रेड्स नहीं लूंगा, BTST नहीं लूंगा, जो भी लूंगा प्राइस एक्शन के लूंगा, ये चीज़ें फॉलो करो, आप कभी अकाउंट आपका ड्रॉ डाउन नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो लर्निंग अंडरस्टैंडिंग पता अच्छा लगा होगा, आपको आज के सारे पॉसिबल ट्रेड्स मैंने इजीली समझाए। बैंक निफ्टी में भी अगर जाते हैं तो बैंक निफ्टी का भी बहुत यू नो एसएल हंटिंग था, सुबह से पूरा ट्रेंड हुआ, सुबह से पूरी रैली हुई, उसके बाद यहाँ पे देखो कंप्लीट एसएल हंटिंग मार्केट था, इसके बाद एक ब्रेकआउट दिया बायस, ये जो जो सेलर्स है उनको निकालने के लिए, कुछ बायस यहाँ पे आए होंगे, बायस को इनवाइट किया, फिर उनका स्टॉप लॉस खा गया, और फिर जो पुट वाले आए उनका भी स्टॉप लॉस खा गया, एकदम ऊपर रैली, स्ट्रेट वी शेप रिकवरी, और फिर लास्ट में 3-3 के आसपास कंप्लीट यू नो इनडिसीजन कैंडल बनते गए। तो यही है मार्केट का तो काम ही है, मतलब किस दिन अच्छा रहना किस दिन खराब रहना, तो आपको डिसाइड करना है आपको किस दिन ट्रेड करना है किस दिन नहीं करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कमेंट करके बताना कैसे लगी, सी यू टुमारो।